और आप देख ही रहे हैं सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक कावड़े के लिए होनी चाहिए। टॉयलेट की है, पानी की है, खाने की है, कोरोना वैक्सीन की भी है, मेडिकल सुविधा भी है, हर प्रकार की सुविधा जितनी हो सकती है हमारी साइड से हम उपलब्ध कराते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के छतरपुर के लाड़ू सराय शिव कावड़ संघ सेवा संघ के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से कांवड़ी आते हैं, कौन कौन से जो शिविर आते हैं, वो सभी चीज़ें हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैडम सर, आपका नाम क्या? संदीप कुमार। सर आपका नाम क्या है? संदीप कुमार, नमस्कार। आप लाड़ू सराय शिव संघ के अध्यक्ष हैं जी। सर कौन कौन से संघ आपको दिखते हैं कि यहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं कांवड़ी, कहाँ कहाँ के आते हैं? जो भी हमारे आसपास के हैं, जितने गांव वगैरह हैं, वहाँ के सभी कांवड़िया यहीं पे आके रुकते हैं। कितने साल हो चुके हैं लगभग आपको लगाते लगाते? हो गए 20-25 साल के आसपास, हो गए 25 साल के आसपास। इसमें कोई सरकार का रोल रहता है? अभी 2 साल से सरकार से कुछ सेवा हमें मिलनी शुरू हुई है। अच्छा, उससे पहले आप खुद लगाते? पहले हम खुद लगाते थे इसको। अभी 2 साल तक कोविड था, उस वजह से लग नहीं पा रहा था, नहीं लग पाया। तो कोई समस्या देखने को मिली कि यार मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाई? हाँ, ये जो हमें हर साल एक भावना जो हमारी होती थी वो पूरी नहीं हुई थी, 2 साल से अधूरी थी। इस साल भगवान ने सब चीज़ ठीक रखी है तो हमें मौका मिला सबकी सेवा करने, कांवड़े जितने भी आते हैं इतनी दूर से। तो इसमें आप जब ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्या क्या खास सुविधाएं यात्रियों को दी जाती है, मेडिकल या फिर कुछ ऐसा? हमारे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक कावड़े के लिए होनी चाहिए। टॉयलेट की है, पानी की है, खाने की है, कोरोना वैक्सीन की भी है, मेडिकल सुविधा भी है, हर प्रकार की सुविधा जितनी हो सकती है हमारी साइड से हम उपलब्ध कराते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये पूरा की पूरा प्राइवेटली और सेमी एक तरीके से गवर्नमेंट के पूरे गाँव के सहयोग से ही हम इसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। आपके साथ और कौन कौन है, मतलब मंत्रिमंडल में जो आपके सदस्य है या मंत्री गण है? पूरा गांव ही हमारा मंत्रिमंडल है, हम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। सबके सहयोग से हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जी। सर, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर सिंह है जी। अच्छा सतवीर जी, आप सबसे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो कैसा लगता है 20 साल हो चुके हैं आपको लगाते लगाते आज? हम जी 22 तारीख हमारा आह्वान हुआ था, 22 के बाद यहाँ सुबह से और रात के 12-1 बजे तक ये सेवा। अच्छा, मतलब इसकी शुरुआत करने के लिए आप हवन भी करवाते हैं? 22 तारीख को हवन होता है। अच्छा, और हवन के बाद मतलब जो है कांवड़िया आने लग जाते हैं एक दुके, और लास्ट वाले दिन 2 दिन तो खूब फुल होता है हमारा। आपके सामने भरे बिल्कुल, मतलब जो भी सुविधा हमारे हो सकती है वो सुविधा हम कांवड़िया को देते हैं। क्या कुछ खास देखने को मिलता है जब यात्री आते हैं, कोई समस्या? हमें शांति मिलती है कि भगवान का भोले के पुजारी कितनी दूर से आ रहे हैं, हमें उनकी सेवा में करने में मजा आता है। जैसे किसी बुजुर्ग आदमी को रास्ता दिखा दो आप, हमें इतना ज्ञान बैठता है दिल में शरीर में कि वह हम किसी की सेवा कर रहे हैं। आप इस संघ में क्या पद रखते हैं? मैं पद में कार्यकर्ता हूँ। मैं आप कार्यकर्ता है और ये अध्यक्ष जी? ये अध्यक्ष जी हमारे। अच्छा, तो आप कांवड़िए से आए हैं, क्या नाम है सर आप? मेरा जी पवन लोहिया, गाँव घिटोरनी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके सामने अध्यक्ष साहब भी है, ये बड़े बुजुर्ग भी हैं, क्या खास सुविधाएं आपको देखने को मिली इस शिविर में और इससे पहले के? जी मैं आपको बताता हूँ, ये लाड़ू सराय गाँव है और यहाँ ये लगभग 25 सालों से लगा रहे हैं, और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि यहाँ तक रिवाड़ी भिवाड़ी राजस्थान तक भी लोग, और जैसे कोई दिल्ली में एंटर करता है इस रूट पे जाने वाले अगर कहते हैं कि एक तो अक्षरधाम पे लगता है और एक कहते हैं लाड़ू सराय, ये इतना अच्छा शिविर है और इतने अच्छे लोग हैं कि बढ़िया जैसे अपने घर आ गए, और इन बुजुर्गों का तो वो बड़ा मान सम्मान है हमारे एरिया में कि जैसा इनका शिविर जैसा लगता ही नहीं कहीं भी, और जैसा ये भोजन कांवड़ियों के लिए करते मेरे ख्याल से कोई आसपास ही नहीं, इसमें मुझे नहीं पता कि सरकार का है नहीं, मगर सारे गांववासी मिलके सब करते। और आपकी बात को मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं होता, यहाँ सब भोले के भक्त होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं बुजुर्ग होते हैं हमारे यहाँ पर, कोई अध्यक्ष नहीं बैठे, बस जिम्मेदारी होती है कि आपका भोजन का काम है, आपका कुर्सियों का काम है, आपको पानी देखना है, ये सारे काम होते हैं, यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं होता, अध्यक्ष सिर्फ हमारे यहाँ पर हमारे समाज में बुजुर्ग लोग होते हैं, वो जैसे मार्गदर्शन देते हैं कि आपको ये काम करना है ये काम, उसी की तरह होते हैं। जिम्मेदारी बड़े भाई को दी हुई है कि आपको संचालन करना है यहाँ पर, या जैसे कि डॉक्टर, पानी, खाना पीना, वो सारी सुविधाएं, और सरकार की मदद है, पुलिस प्रशासन हमको दिया हुआ है, और ये अपना यातायात सुचारू रूप से चालन रहे, और इसी इसी
बड़ी इसके हिसाब से। और इस गांव का तो बहुत बड़ा नाम है जी, लाडो सराय। और जैसे भोजन और कार्यकर्ता करते हैं, लोग दूर से आते हैं, भिवाड़ी रिवाड़ी हरियाणा राजस्थान के, जैसे कल है वो आप देखना यहाँ तक बहुत ही हुजूम। यहाँ पर कभी कभी पार तो पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, बहुत बड़ा, बहुत लोग आके रुकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये पंडाल अभी कितने दिन तक और रहेगा ऐसे ही? ये हमारा 26 तारीख को इसका जल चढ़ने के बाद हटाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद हम जो भी हमारे पास सामान बचता है उसका हम भंडारा कर देते हैं, लास्ट में भंडारा कर देते हैं पब्लिक के लिए। अभी फिलहाल भी एक भंडारा ही तरीके से चल रहा है, पर जो भी कोई आता है सबके लिए भोजन उपलब्ध है। कावड़े के साथ साथ तो आते हैं, उनके अलावा जो भी और कोई भी आता है उसको हम भोजन करा के ही भेजते हैं। आपको जैसे अभी कोविड टाइम वैसे ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कई इक्के दुक्के केसेस आ जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि नहीं आप नहीं लगा सकते या इतनी भीड़ इकट्ठे मत करिए? जी नहीं, जाता है हम उस मंदिर में ठा रहते हैं, बाई चांस कोई पीछे रह जाए इक्का दुक्का, तो हमने मंदिर बना के हमी वो मंदिर में उसको खाना पीने का सोने का सारा इंतजाम कर देते हैं हम। अच्छा, वहीं हो जाता है? हाँ, ये मंदिर में कर देते हैं हम। ये स्वामी मंदिर हमारे यहाँ छोटा, इसमें जैसे कोई दो रह गया, तीन रह गए, चार रह गए, फिर दूसरे दिन दो आ गए, वो मंदिर में गद्दे वद्दे गिर गए, उसको रात को यहीं खाना पीना खिला के, और जो सुबह जाए तो वो शाम को जाए, किसी टाइम जाए वो, रात को सुविधा उसको हम यहाँ देते हैं मंदिर में। तो एक बार सर नाम और बता दीजिएगा आप। संदीप कुमार नाम है मेरा। और आपका? नाम सतवीर सिंह है जी मेरा। अच्छा, तो ये थे अच्छा अच्छा ये कार्यकर्ता है। सर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है सेवा करते समय कि यार अब ये यात्री आ गए और आ गए और आ गए, क्योंकि आना जारी रहता है? जितने कमाओ जब दुख हुआ है, जितने अच्छा कमाते, तो मतलब आप तो दो साल से तो बहुत दुखी होंगे। ना ना, वो तो देखो वो तो गवर्नमेंट का बीमारी का दौर था, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते थे, वो फीलिंग नहीं थी उस समय। लेकिन दो दिन, अब के दो दिन बड़े दुखी थे कि कावड़िया नहीं आ रहे हैं, अब कल दो दिन से बड़े मस्त हैं, मेहनत कर रहे हैं, करते रहते हैं, कभी से कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये होती है एक सेवा भाव जो निष्काम होती है, निस्वार्थ होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं देखा जाता कि यार ज़्यादा काम बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। ये सिर्फ एक सेवा है जो इन कांवड़ियों को इस संघ के द्वारा दी जा रही है। आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।